एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के तहत ऐसे युवक जिन्होंने वोट देते समय न सिर्फ ईवीएम बल्कि बैलेट पेपर के फोटो खींचे बल्कि उनके रील और वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इन लोगों पर FIR दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 66 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आरोपी ने मतदान करते समय ईवीएम की बैलेट यूनिट का फोटो खींचा, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सामान्य निर्वाचन 2023 के पालन में यह आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी जो थे उस समय 17 नवंबर को परमानंद कारकाड़े, इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया थाने पर और इनके द्वारा बताया गया कि ये हरिकेश ठाकरे ढाकरे देसावाड़ी के रहने वाले, इनके द्वारा ईवीएम की में ईवीएम की जो फोटो है वो वोट डालते हुए सोशल मीडिया में वायरल की गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से आवेदन दिया गया था, जिस पर ये हरिकेश ठाकरे के खिलाफ धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत और 188 भारतीय दंड संहिता और IT एक्ट 66 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और उस पर तरह तरह के कमेंट्स और एक दूसरे पर ताने मारना आम हो चला है, जिससे कई बार विवाद भी हो जाते हैं। चुनाव के दौरान भी तरह तरह की रील्स वीडियो इत्यादि बनाए गए जो वायरल भी हो गए। यहां तक कि लोगों ने चुनाव की गोपनीयता भी भंग कर डाली। इसके बाद अब पुलिस ने शिकायत के बाद सख्ती दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।